हेलो एवरीवन वेलकम टू बायोलॉजी प्रिपरेशंस आज के इस वीडियो में हम टैक्सोनॉमी का नाइन्थ पार्ट देखेंगे जो है हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी टैक्सोनॉमी में जिन साइंटिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है उन्हीं का डिस्कशन करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इससे बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं इस वीडियो के साथ ही टैक्सोनॉमी का हमारा पूरा यूनिट कम्प्लीट हो जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी तो सबसे पहले साइंटिस्ट जिनकी हम बात करेंगे वो हैं एरिस्टॉटल एरिस्टोटल एक बायोलॉजिस्ट के साथ साथ एक बहुत ही फेमस ग्रीक फिलोसोफर भी थे लेकिन यहाँ हम बायोलॉजी के केस में बात करेंगे कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा इनको फादर ऑफ़ बायोलॉजी और जुलॉजी कहा जाता है ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले एनिमल्स को टू ग्रुप्स में डिवाइड किया था पहला ग्रुप था ए नईमा और दूसरा ग्रुप था ई नईमा ए नईमा वो एनिमल्स इस ग्रुप में रखे जाते थे जिनके पास रेड ब्लड्स नहीं थे और ई नई माँ उन एनिमल्स का ग्रुप था जिनके ब्लड रेड कलर के थे तो ये सबसे पहला बेसिक एक क्लासिफिकेशन था जो एरिस्टोटल ने किया था दूसरे साइंटिस्ट की बात करते हैं थियोफेरास्टस ये फादर ऑफ एंशियंट प्लांट टैक्सोनॉमी का क्रेडिट इनको जाता है और ये फादर ऑफ़ बॉटनी भी कहे जाते हैं फादर ऑफ बॉटनी तो वेल नोन है लेकिन एंशियंट प्लांट टेक्सोनॉमी की अगर बात करेंगे तो उसके फादर भी थियोफेरास्टस हैं अब देखते हैं इनके द्वारा जो जो बुक्स लिखी गई है हिस्टोरिया प्लानिटेरियम जिसमें 480 एटी प्लांट्स का डिस्क्रिप्शन इन्होंने दिया है ये इंपॉर्टेंट है पूछा जाता है सेकेंड है कॉसेस ऑफ प्लांट्स और इंक्वायरी इन टू प्लांट्स तो इन इन्होंने थ्री बुक्स ही लिखी इसलिए ये तीनों का आपको डिटेल है जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है हिस्टोरिया प्लानिटेरियम जिसमें फोर एटी प्लांट्स का डिस्क्रिप्शन है थीओफेरास्टस ने सबसे पहले प्लांट्स को क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ हैबिट उनकी ग्रोथ हैबिट क्या है इसके अकॉर्डिंग इन्होंने फोर ग्रुप्स डिवाइड किए थे ट्रीज श्रब्स अंडर श्रब्स और हर्ब्स तो प्लांट किंगडम में सबसे पहला एक बेसिक क्लासिफिकेशन थियोफेरास्टस के थ्रू किया गया था जो कि बेस्ड था ग्रोथ हैबिट पे और ये जो क्लासिफिकेशन था ये एक आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था आर्टिफिशियल इसलिए क्योंकि जब वन और टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर कोई क्लासिफिकेशन की जाती है तो वो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन होता है लिनियस के द्वारा भी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को ही सपोर्ट किया गया था इसलिए ये कवर किया हमने थीओफेरास्टिस इम्पॉर्टेंट है टर्म एनुअल बाइनियल और पेरिनियल्स ये थियोफेरास्टिस के थ्रू दिया गया है अब देखते हैं हम थर्ड साइंटिस्ट कैरोलिस लिनियस वैसे इनका एक्चुअल नेम जो है वो है कॉल वॉन लिनी ये स्वीडन के थे उसके अकॉर्डिंग इनका नाम था लेकिन इन्होंने बहुत सारा अपना जो वर्क है वो लैटिन लैंग्वेज में किया और अपने नाम को चेंज करके कैरोस लिनियस कर लिया ये स्वीडन के एक साइंटिस्ट थे ये फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है प्लांट या एनिमल टैक्सोनॉमी दोनों की बात करें तो ये फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है अगर एंशियन टैक्सोनॉमी की आप बात करेंगे तो थियोफेस्ट है इसमें कन्फ्यूज मत करिएगा जो इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है वो ये कि इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था पूरे लिविंग वर्ल्ड को दो किंगडम्स में बांटा था प्लांट प्लांटे एंड एनिमेलिया जो बुक्स इंपॉर्टेंट हैं इनके द्वारा जो लिखी गई है वो है हॉर्टिस अ प्लांटिकस जो इनकी पहली बुक है वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मे बी फर्स्ट बुक होने के नाते इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाए सेकेंड है फिलासफिया बोटानिका सिस्टमा नेचुरी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सेवनटीन थर्टी सेवन में पब्लिश की गई थी जनरा प्लानिटेरियम और स्पीसीस प्लानिटेरियम जो इनकी लास्ट बुक थी सेवनटीन फिफ्टी थ्री में पब्लिश की गई थी इन बुक्स में से फिलोसफिया uh, बोटानिका में इन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ नॉमन क्लेचर दिया था सिस्टमा नेचुरी में पहली बार साइंटिफिक नेम्स दिए गए थे एनिमल्स के जनरा प्लानिटेरियम में इन्होंने प्लांट किंगडम को टोटली ट्वेंटी फोर क्लासेस में डिवाइड किया था जो कि एक आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था यानी इन प्लांट्स को भी इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल uh, कैरेक्टर्स के बेस पे ही ट्वेंटी फोर क्लासेस में डिवाइड कर दिया था सेक्शुअल कैरेक्टर्स को इन्होंने बेस माना था जिसमें से ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शुअल ऑर्गन्स यानी कि स्टेमन और स्टाइल के बेसिस पे इन्होंने पूरे प्लांट किंगडम को ट्वेंटी फोर क्लासेस में बांट दिया था इसलिए ये एक आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है सेक्शुअल uh, कैरेक्टर्स को इम्पोर्टेंस दी गई है इसलिए ये एक सेक्शुअल क्लासिफिकेशन भी है तो अभी हमने देखा आपका लिनियस के द्वारा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया गया इसके साथ ही साथ थियोफेराटस का भी क्लासिफिकेशन था जो टी आ, ट्रीज श्रब्स अंडर श्रब्स और हर्ब्स में प्लांट किंगडम को डिवाइड किया गया था वो भी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था यानी दोनों साइंटिस्ट आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को सपोर्ट करते तो हैं तो स्पीस प्लानिटेरियरम बुक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें साइंटिफिक नेम्स दिए गए थे प्लांट्स के यानी सिस्टमा नेचुरी साइंटिफिक नेम्स ऑफ एनिमल्स के लिए फेमस है और स्पीसियस प्लानिटेरियम साइंटिफिक नेम्स ऑफ प्लांट्स के लिए फेमस है तो सारी बुक्स इंपॉर्टेंट नहीं है ये जो मैंने सेपरेट दिया है और उसमें क्या वर्क इन्होंने किया है ये इंपॉर्टेंट है इसे याद रखिएगा अब बात करते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट की तो ए पी डी कैंडोल ने भी टैक्सोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इनकी इंपॉर्टेंट बुक है थियोरीज एलिमेंटायर डी ला बुटानिक क्यू ये पूछा जाता है इसलिए ये बुक याद रखिएगा इन्होंने क्या किया था टैक्सोनॉमी में वैस्कुलर टिश्यू का इंपॉर्टेंस दिया यानी टैक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन नॉमन क्लेचर करते समय हमें वैस्कुलर वंडर्स का भी ध्यान रखना चाहिए यानी कंडक्टिंग टिश्यू जो है जाइलम फ्लोएम इस बेसिस पे भी प्लांट का क्लासिफिकेशन करना चाहिए ये इन्होंने कहा इसी बेसिस पे इन्होंने प्लांट्स को आ, वैस्कुलर टिश्यू के बेसिस पे इन्होंने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया पहला सेलुलर प्लांट्स और दूसरा वैस्कुलर प्लांट्स सेलुलर प्लांट्स वो थे जिसमें वैस्कुलर बंडल नहीं था यानी कि कंडक्टिंग टिश्यू नहीं थे जाइलम फ्लोएम नहीं था इस बेसिस पे इन्होंने दो क्लासेस बनाए थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा और वो प्लांट्स जिसमें वैस्कुलर आई मीन टिश्यू थे वैस्कुलर प्लांट्स थे कंडक्टिव टिश्यू जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट थे उनको इन्होंने तीन ग्रुप्स में बांटा टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म तो सबसे इंपॉर्टेंट यही पूछा जाता है कि वो कौन सा साइंटिस्ट था जिन्होंने टैक्सोनॉमी में वैस्कुलर टिश्यू को बेसिस बनाया क्लासिफिकेशन का तो उसका एंसर आपका ए पी डी कैंडोल अब बात करते हैं बेंथम एंड हुकर की इनका टैक्सोनॉमी में बहुत बड़ा रोल रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम होते हैं इसलिए इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा सबसे पहले इनके वर्क की अगर बात करें तो ये लोग क्यूरेटर के पोस्ट पे काम करते थे रॉयल बोटैनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड में अब क्यूरेटर क्या होता है क्यूरेटर एक ऐसी पोस्ट है जो किसी भी हारबेरियम या बोटैनिकल गार्डन में वर्क करते हैं अरेंजमेंट करते हैं प्लांट्स का उनकी स्टडी करते हैं तो यही वर्क था इनका इनके इन्होंने जो बुक लिखी है वो है जनरा प्लानिटेरियम जिसमें इन्होंने सबसे बिगेस्ट एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया है स्पर्मेटोफाइटा का यानी वो प्लांट्स जिनमें सीड्स होती है उन प्लांट्स का सबसे बड़ा और नेचुरल क्लासिफिकेशन किया इन्होंने नेचुरल क्लासिफिकेशन यानी कि इन्होंने सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को इंपॉर्टेंस दी रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के कंपैरिजन में इसी इस बेसिस पे इन्होंने स्पर्मेटोफाइटा यानी जो सीड वाले प्लांट्स थे उनका क्लासिफिकेशन किया और सबसे बड़ा किया तो ये पूछा जाता है कि सबसे बिगेस्ट एंड ने नेचुरल क्लासिफिकेशन किस टेक्सोनोमिस्ट ने किया है तो वो है एंड होकर अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि बेंथम एंड हुकर ने भी जनरा प्लानरियम लिखा है और लिनियस में भी मैंने बताया कि जनरा प्लानिटेरियम लिनियस के थ्रू लिखी गई थी तो आप कंफ्यूज मत हो कैरोलिस लिनियस ने जो जनरा प्लानिटेरियम लिखी थी उसको 1737 में लिखा था फर्स्ट एडिशन जिसमें इन्होंने प्लांट किंगडम को 24 क्लासेस में डिवाइड किया था वहीं बेंथम और हुकर ने भी सेम नेम की एक बुक लिखी थी जिसको इन्होंने तीन वॉल्यूम्स में लिखा था 1862 से लेके 1883 के बीच में ये जो दोनों बुक्स हैं इन दोनों के कंटेंट बिल्कुल डिफरेंट थे अलग अलग कंटेंट हैं दोनों बुक के जो कैरोलस कैरोलिसनियस की जनरा प्लानिटेरियम है या फिर वेंथम हुकर की जनरा प्लानिटेरियम है यानी सिर्फ मैचिंग उसके नेम में है इन दोनों को एक दूसरे से कुछ भी लेना देना नहीं है बुक्स का ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्धर्स हैं इसके ये है कन्फ्यूजन की क्वेश्चन में अगर आ गया लेकिन आप श्योर रहिए ऐसे क्वेश्चंस कभी कंफ्यूजिंग नहीं आएंगे जहाँ पे ऑप्शन में आपका बेंथम हुकर और लिनियस दोनों दिया हो जेनरा प्लानिटर पूछ रहा है तो या तो बेंथम एन हुकर देगा या तो फिर लेनियस तो आप दोनों याद रखिएगा अब देखते हैं बेंथम एंड हुकर का जो क्लासिफिकेशन इन्होंने किया तो सबसे पहले इन्होंने स्पेराटो यानी प्लांट्स विथ सीड के डिविजन को जिसमें टू हंड्रेड एंड टू फैमिलीज थी उसको तीन क्लासेस में बांटा डाईकोटिलेडने जिम्नोसपर में और फिर मोनोकॉटिलेडने डाइकोटिलेडनेस को इन्होंने अगेन तीन सब क्लासेस में डिवाइड किया पॉलीपेटले गैमोपेटले और मोनोक्लोमाइडे पॉलीपेटले वो प्लांट्स थे जिनके जो पेटल्स होते हैं वो फ्री होते हैं ऐसे प्लांट्स जिनमें के फ्लावर्स में पेटल्स फ्री होते हैं इसमें एटी फोर फैमिलीज आई गैमोपेटले उसमें जिसमें यूनाइटेड पेटल्स होते हैं या फिर फ्यूज पेटल्स होते हैं फ्लावर्स में जुड़े हुए होते हैं इनमें फोर्टी फाइव फैमिलज़ इन्होंने रखी और मोनोक्लोमाइडे यानी ऐसे प्लांट जिनमें पेटल्स ही नहीं होते हैं नो पेटल्स फ्री ऑफ पेटल्स तो इसमें थर्टी सिक्स फैमिलीज आई जिम्नोसपर्मे में थ्री फैमिलीज़ और मोनोकोटोलिडने में थर्टी फोर फैमिलीज़ को इंक्लूड किया गया तो ये जो डिवीजन इन्होंने दिया था स्पर्मेटोफाइटा यानी प्लांट्स विथ सीड्स का ये दिया था जनरा प्लानिटेरियम में जिसमें टू हंड्रेड टू फैमिलीज़ का डिस्क्रिप्शन था अब ये सबसे बिगेस्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन था इसलिए इस पर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेंथामैन हुकर के क्लासिफिकेशन की क्या मेरिट्स थी और क्या डीमेरिट्स थी मेरिट्स मतलब क्या प्लस पॉइंट्स थे इनके क्लासिफिकेशन में और क्या इन्होंने गलती की थी डीमेरिट्स थे तो वो भी देखते हैं सबसे पहला तो क्लासिफिकेशन नेचुरल फॉर्मल था जो कि फ्लोरल कैरेक्टर्स पर बेस्ड थे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को इम्पोर्टेंस दिया गया था लेकिन फाइलोजेनेटिक जेनेटिक कैरेक्टर्स को इग्नोर किया गया था इसलिए ये बेस्ट क्लासिफिकेशन तो नहीं था क्योंकि जहाँ पे फाइलोजेनेटिक यानी एवोल्यूशन का बिल्कुल भी रोल ना हो वो एक प्रोग्रेसिव वे में क्लासीफिकेशन नहीं हो सकता इसलिए ये बेस्ट क्लासीफिकेशन नहीं था लेकिन एक सिंपलर क्लासिफिकेशन था जिसे आसानी के से किया जा सकता था एक्चुअल ऑब्जर्वेशन पे तो इसी वजह से जितने भी बोटेनिकल गार्डन्स या हर्बेरियम होते हैं वहाँ पे प्लांट्स का जो अरेंजमेंट है वो बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन के ही अकॉर्डिंग किया जाता है तो ये हो गई मेरिट्स की बात अब अगर डी मेरिट्स की बात करें तो अभी हमने देखा कि इन्होंने फाइलोजेनी को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया था यानी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया था कैसे भी रैंडमली इन्होंने प्लेस कर दिया ऐसा नहीं था कि प्रिमेटिव से एडवांस की तरफ में इन्होंने प्लांट्स को प्लेस किया था तो इसलिए यही रीजन था कि जिम्नोस्पर्म जो है वो डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स के बीच में प्लेस कर दिया था क्योंकि अगर करेक्ट सीक्वेंस की बात करें एवोल्यूशन के तो सबसे पहले आपका आता है जिम्नोस्पर्म फिर आता है आपका डाइकॉट और उसके बाद आता है मोनोकॉट इस हिसाब से आपका प्रिमिटिव से एडवांस की तरफ है बट ऐसा इन्होंने किया नहीं था अब देखते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट ए डब्ल्यू आयशर के बारे में इन्होंने सबसे पहला फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया था जो कि बहुत ही लिटिल फाइलोजेनेटिक पर बेस था बहुत डिटेल में नहीं दे पाए थे लेकिन उन्होंने पहला सबसे पहला फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन की शुरुआत की थी इन्होंने प्लांट किंगडम को दो सब किंगडम में डिवाइड किया क्रिप्टोगैमिया और फिर फेनेरोगैमिया क्रिप्टोगैमिया यानी वो प्लांट्स जिसमें फ्लावर्स नहीं होते हैं यानी वो प्लांट्स जिनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो बहुत आसानी से विजिबल नहीं होते हैं अरें यानी फ्लावर्स के अंदर उनका अरेंजमेंट नहीं होता है और दूसरा था फेनरोगिया यानी वो प्लांट्स जिनमें फ़्लावर या फ्लावर की तरह से स्ट्रक्चर होते हैं यानी इनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो एक फ्लावर पर अच्छे से अरेंज होता है फिर इन्होंने क्रिप्टोगैमिया को अगेन तीन डिवीजन्स में बांटा थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा और फेनरोगिया को फिर से दो डिविजन्स में बांटा पहला में और दूसरा एनजियोस्पर्म्स जिम्नोस्पर्म्स जिसमें फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर होता है एग्जैक्ट फ्लावर तो नहीं होता लेकिन फ्लावर के जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं और एंजियोस्पर्म्स में आपके रियल फ्लावर्स होते हैं और ये जो इन्होंने फाइव डिविजन्स दिए प्लांट्स के उनको प्रॉपरली एवोल्यूशन यानी फाइलोजेनी के अकॉर्डिंग इन्होंने अरेंज भी किया जो प्रिमिटिव से एडवांस की तरफ था थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म और फिर लास्ट में रखा गया एनजियोस्पम्प जो कि करेक्ट है फाइलोजेनी के अकॉर्डिंग बस ये याद रखिएगा कि इन्होंने फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन की स्टार्टिंग की थी क्योंकि कई सारे अभी फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन देने वाले साइंटिस्ट आएंगे तो स्टार्टिंग इन्होंने कर दी थी ये ध्यान रखिएगा नेक्स्ट साइंटिस्ट है इंग्लर एंड प्ल्टल इनका भी जो क्लासिफिकेशन था वो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन था लेकिन जो आइशर ने क्लासिफिकेशन किया था उससे थोड़ा और एडवांस था फाइलोजेनी पे ही बेस्ट था और एडवांस था इन्होंने प्लांट किंगडम को एम्ब्रियो के अकॉर्डिंग दो सब किंगडम्स में डिवाइड किया थैलोफाइटा इसमें जिसमें एम्ब्रियो एबसेंट होता है और दूसरा एम्ब्रियोफाइटा जिसमें एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है उसके बाद एम्ब्रियोफाइटा यानी प्लांट्स विथ एम्ब्रियो को भी इन्होंने दो डिविजन्स में बांटा ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन यानी कैसी फर्टिलाइजेशन होती है उस बेसिस पे दो डिविजन्स दिए जूडियोगी और सिफोनोगी जूडियोगी वो प्लांट्स थे जिसमें मेल गैमिट मोटाइल होता है यानी मूव कर सकता है और एक फीमेल गैमिट तक मूवमेंट करके जाता है जो मेल गैमिट मूव कर सकता है उनको कहा गया एंथ्रोजॉइड्स तो ये हो गया आपका ज्यूडोगैमी इसमें रखे गए दो डिविजन्स मतलब इसमें दो ग्रुप्स बांटे गए इस डिविजन में ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा दूसरा हो गया आपका सिफोनोगैमी अब इसमें फर्टिलाइजेशन क्या होता है इसमें मेल गैमिट जो होता है इन प्लांट्स में वो नॉन मोटाइल होता है यानी मूव नहीं कर सकता है और जो मेल गैमिट है वो फीमेल तक हमेशा पॉलेंड ट्यूब के रास्ते से जाता है ठीक है इसको इन्होंने तीन क्लासेस में बांटा जिनोसप में मोनोकॉटेलिडने और डाइकॉटेलिडने डाईकोटी को अगेन दो सब क्लासेस में डिवाइड किया गया आर्कीक्लमायाइडे और मेटा क्लामाइडे आर्कीक्माइडे वो थे जिनमें फ्री पेटल्स होते थे या नॉन पेटल्स कंडीशन ये दोनों वाले प्लांट्स जिसमें पेटल्स फ्री होते थे या फिर नहीं होते थे तो इसमें रखे गए आर्कीक्लामाइडे में और मेटा क्लामाइडे वो थे वो प्लांट्स जिनमें पेटल्स यूनाइटेड थे ठीक है तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन एंगलर एंड ट्रांटल का अब बात करते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट की जो हैं मेंस इन्होंने क्या किया सेरोलॉजी की इंपॉर्टेंस दी टैक्सोनॉमी में यानी क्लासिफिकेशन करते समय या टैक्सोनॉमी में किसी एनिमल या प्लांट को रखने के लिए सेरोलॉजी का भी इंपॉर्टेंस होता।, होता है यानी सिरम की स्टडी करनी चाहिए सिरम में जो स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का उनकी स्टडी होनी चाहिए और जिन जिन ऑर्गेनिजम्स के सिरम uh, ser, uh, में या फिर प्रोटीन के स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी है उनको एक ग्रुप में रखना चाहिए तो जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप होता है प्लांट्स और एनिमल्स का वो एनिमल सीरम के थ्रू इस्टेब्लिश किया जाता है यानी सेरोलॉजी के मतलब अब जानी के स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इन सीरम इनके अकॉर्डिंग जो सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन के वो ग्रुप्स या वो क्लासेस ज्यादा क्लोज रिलेटिव्स होते हैं एक दूसरे के जैसे एनिमल टेक्सोनॉमी के केस में सेरोलॉजी के इम्पॉर्टेंस दी जाती है टेक्सोनॉमी में इसी वजह से चिम्पैनजीज जो होते हैं वो क्लोज रिलेटिव माने जाते हैं मैन के स्ट्रक्चर क्या प्रोटीन के स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी होती है चिम्पैनजी और मैन के इसी तरीके से प्लांट्स में भी होना चाहिए सेरोलॉजी की इम्पोर्टेंस तो ये दिया था कॉलविंस ने नेक्स्ट है जो सबसे 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 इम्पॉर्टेंट है वो है ओस्टवर्ल्ड टिप्पो क्लासिफिकेशन ओस्ट टिप्पो ने अब तक का सबसे बड़ा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया है ये एक कंप्लीट क्लासिफिकेशन है जो प्लांट किंगडम का है इसीलिए सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है यानी जो हम लोग की सिलेबस की बुक्स में है कॉलेज या स्कूल्स में हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजी पर उसमें यही ओस्टवर्ल्ड टिप्पो का क्लासिफिकेशन दिया होता है अब देखते हैं इन्होंने क्लासिफिकेशन किया कैसे है सबसे पहले इन्होंने प्लांट किंगडम को दो सब किंगडम्स में डिवाइड किया पहला थैलोफाइटा दूसरा एम्ब्रियोफाइटा थैलोफाइटा में इन्होंने टेन डिविजन्स रखे जो थे साइनोफाइटा ब्लू ग्रीन अलगी यूग्लिनोफाइटा यूगलिनोइड्स क्लोरोफाइटा ग्रीन अलगी क्राइसोफाइटा येलो ग्रीन अलगी पायरोफाइटा डायनोफ्लाजिलेट्स एंड डायटम्स फियोफाइटा ब्राउन एल्गी और रोडोफाइटा रेड एल्गी यानी ये टॉप के सेवन जो है वो एल्गी हो गई आपकी उसके बाद एट्थ पर रखा एट्थ डिवीजन में साइजो माइकोफाइटा यानी कि बैक्टीरिया आ गए इसमें और मिक्सो माइकोफाइटा मोड्स फॉल्स फंजाई को रखा और यू माइकोफाइटा यानी ट्रू फंजाई यानी इनको जो थैलोफाइटा थे उसके टेन डिविजन इस हिसाब से डिवाइड हुए कि जो टॉप सेवन है वो आपकी एल्गी है और जो आपका एट्थ है साइजो माइकोफाइटा उसमें इन्होंने बैक्टीरिया रख दिया और लास्ट टू यानी मिक्सो माइकोफाइटा और यू माइकोफाइटा के लिए दो डिविजन्स रखे फनजाई के लिए एक फॉल्स फंजाई एक ट्रू फनजाई नेक्स्ट एम्ब्रियोफाइटा को भी इन्होंने टू डिविजन्स में बांटा ऑन द बेसिस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू पहला ए ट्रैक्यूटा जिनमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं थे नॉन वैस्कुलर प्लांट्स थे और दूसरा ट्रैक्योफाइटा जिनमें वैस्कुलर टिश्यू था यानी वैस्कुलर प्लांट्स ए ट्रैक्यूएटा में ब्रायोफाइटा को रखा गया जिसके तीन क्लासेस थे हिपाटिकॉपिडा लिवर वॉड्स एंथोसिरोप्सिडा हॉन वॉड्स और ब्रायपसिडा यानी कि मॉस जो कि ट्रू ब्रायोफाइटा था उसके बाद से यानी कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ए ट्रैकिटा में ब्रायोफाइटा को पूरा का पूरा डिवाइड कर दिया और ट्रैक्यो में इन्होंने जो आज के हम डिविजन्स पढ़ते हैं टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म जिम्नोसपम ये सब इन्होंने ट्रैकिो में डाल दिया इसके इन्होंने क्ला चार क्लासेस दिए साइलोप्सिडा लाइकोप्सिडा स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा साइलोप्सिडा में साइलोटम लाइकोप्सिडा में क्लब मॉस फॉल्स मॉस स्फिनोपसिडा में हॉर्सटेल और टेरॉप्सिडा में इन्होंने फर्न जिम्नोसपॉम्स और एनजियपॉम्स सबको रख दिया यानी इस पूरे क्लासिफिकेशन में एक चीज क्लियर है कि टेरापसिडा टर्म तो इन्होंने दिया लेकिन टिप्पो ने कभी भी टेरिडोफाइटा टर्म नहीं यूज किया ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिड नॉट यूज द वर्ड टेरिडोफाइटा इन इट्स क्लासिफिकेशन तो उस वाल टिप्पो ने टेरिडोफाइटा का कोई भी ग्रुप या कोई भी डिविजन नहीं बनाया था ये इंपॉर्टेंट है इसे याद रखिएगा नेक्स्ट देखते हैं हम हैकल को हैकल कोपलैंड विटेकर और काल्बूस ये चार साइंटिस्ट हैं जो भी रिमेनिंग हैं और इन चारों को हम बहुत डिटेल में कवर कर चुके हैं किंगडम क्लासिफिकेशन में क्योंकि इन्होंने किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था टू किंगडम थ्री किंगडम फोर किंगडम फाइव किंगडम और सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन तो इसलिए जो आपका वीडियो है किंगडम क्लासिफिकेशन का उसमें आप इन साइंटिस्ट के बारे में पूरा डिटेल कंट्रीब्यूशन पढ़ सकते हैं इसलिए बहुत ही एक शॉर्ट समरी में हम इसे कंप्लीट कर देंगे हैकल ने दिया था थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने प्लांटे uh, एनिमेलिया और जो तीसरा था वो था प्रोटिस्टा जो इन्होंने एक नया किंगडम बनाया था इसलिए किंगडम प्रोटेस्टा बनाने का क्रेडिट जाता है हैकल को इन्होंने प्रोटेस्टा किंगडम में उन ऑर्गेनिजम्स को रखा था जिनके पास टिश्यू नहीं था यानी टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन नहीं था सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले ही सारे एनिमल्स को या प्लांट्स को इन्होंने रखा प्रोटेस्टा में एग्जाम्पल है प्रोकैरियोड्स प्रोटोजोवा पोरीफेरा अलगी एंड फंजाई और नेक्स्ट देखते हैं कोपलैंड कोपलैंड ने दिया था फोर किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने नया किंगडम बनाया मोनिरा जिसमें इन्होंने Uh, सारे प्रो कैरियर को रख दिए यानी हैकल के uh, जो क्लासिफिकेशन था उसमें से जो प्रोटेस्टा बना इन्होंने बनाया थार को एक अलग किंगडम दे दिया एग्जाम्पल हो गया बैक्टीरिया माइको और ब्लू ग्रीन अलगी नेक्स्ट हैं आर एच पिटेकर जिन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया इनका क्लासिफिकेशन सबसे मॉडर्न माना जाता है और सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल इन्होंने एक नया किंगडम स्टेब्लिश किया माइकोटा जो कि फिफ्थ किंगडम था जिसमें रखी गई ट्रू फंजाई और सबसे लास्ट में देखते हैं कार्ल वूस को जिन्होंने सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और एक नया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में एक और नया किंगडम दिया जो था आर्की बैक्टीरिया का किंगडम तो इस हिसाब से सिक्स किंगडम्स हो गए जो थे प्लांटे एनिमेलिया प्रोटिस्टा मोनिरा माइकोटा एंड एट लास्ट आ, आर्की बैक्टीरिया तो स्टूडेंट्स uh, ये हमने कवर किया हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी काफ़ी डिटेल और काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है लेकिन हम इसे कट शॉर्ट नहीं कर सकते थे इतना बहुत ज़रूरी था क्योंकि हर एक पॉइंट से क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक कितना समझ में आया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर मेरे वीडियो से आपको हेल्प हो रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब भी कर लें ताकि टाइम टू टाइम आपको सारे वीडियोज़ मिलते रहें तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय